नंबर 27, उमूमी रहमत, लोगों पर आम तौर से रहमत करना, गिन गिन के चुन चुन के रहमत नहीं करना, अपने अपने अपना नहीं, सब पे रहमत करने वाला हो, इंसान के दिल में उमूमियत के साथ में लोगों के लिए रहम हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, वो जो आसमान पर है तुम पर भी रहम करेगा। ये हदीस हमको सोच देती है कि तुम्हारे बस में जो है वो तुम करो, अल्लाह ताला ऊपर से तुमको वही देगा। अल्लाह से रहमत पाने के लिए, खालिक से रहमत पाने के लिए मखलूक को तुमको पहले रहमत देनी पड़ेगी। दो मिलेगा, मिलेगा तो देंगे, हमारी मेंटालिटी कैसी है, मिलेगा तो देंगे। अल्लाह के नबी क्या बतला रहे हैं, दोगे तो मिलेगा, मामला पूरा जो है हमारा उल्टा है। तुम लोगों पर रहम करोगे, अल्लाह तुम पर रहम करेगा, तुम लोगों को माफ करोगे, अल्लाह तुमको माफ करेगा। वलियाफु वलियस्फहु अला तुहिब्बुना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, लोगों को माफ करो, दरगुजर करो, क्या तुम पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तुमको माफ करे। तो हम दे मिलेगा, यह हदीस हमको बताती है। तो लोगों पर, सब पर हम रहम करें, जमीन में मुसलमान काफिर जानवर तक हैं। तो इस्लाम की तालीम है कि उमूमी रहमत मुसलमान की होना चाहिए, अल्लाह ताला भी रहम करेगा।